इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक देखने लायक होगी। वही तैयारियां ही बता रहे हैं कि उत्सव कितना भव्य होने वाला है। आपको हम लिए चलते हैं कोलकाता के कुमारथुल इलाके में, जो इन दिनों गुलजार है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कोलकाता के वैसे हर इलाके से लोग यहां दुर्गा प्रतिमा लेने के लिए पहुंचते हैं। यहां की तंग गलियों में कलाकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कोलकाता का ये इलाका मूर्तिकारों का इतिहास और मूर्ति निर्माण के बदलते स्वरूप की कई कहानियां समेटे हुए है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है और माँ दुर्गा की प्रतिमा के लिए दुनिया भर में मशहूर है कोलकाता का ये कुमारतुली इलाका। गलियां तंग जरूर हैं, लेकिन इन रास्तों के दोनों तरफ बने इन कच्चे पक्के मकानों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं अटी पड़ी हैं। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं तो कुछ अभी आकार ही ले रही है। छोटी बड़ी हजारों मूर्तियां और उन्हें गढ़ते तराशते कलाकार आपको दिख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बनी मूर्तियों की डिमांड विदेशों तक में है। महालया के दिन तक कुमारतुली में मूर्ति लेने वालों की भीड़ रहती है। यहाँ आज भी मूर्तियाँ पारंपरिक तरीके से ही बनती हैं, सांचों में ढालकर नहीं। आप अगर कोलकाता के इस इलाके में जाएंगे तो आपको इस इलाके का एक और नाम मिलेगा, भास्कर जी पॉल स्ट्रीट। और ये नामकरण भी मूर्ति निर्माण से ही जुड़ा है। इसे एक मशहूर मूर्तिकार गोपेश्वर पॉल के नाम पर रखा गया है। गोपेश्वर पॉल, जिन्होंने मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा परंपरा में कई नए आयाम जोड़े। मूर्तियों का जो ट्रेंड आज चलन में है वो उन्हीं की देन है। कोलकाता में दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में बहुत ही सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले मूर्ति बनती थी एक चाला की, और अभी लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी, गणेश जी को अलग किया जा रहा था दुर्गा से। दुर्गा माता की जो अभी मूर्ति बनती है वो ये जो प्रथा को तोड़ने वाले जो मूर्तिकार है उनका नाम है गोपेश्वर पॉल। कहते हैं गोपेश्वर पॉल के हाथों में कमाल की जादूगरी थी। मिट्टी हाथ में आते ही मानो उनकी उंगलियां चल पड़ती थी। उनकी इन्हीं जादूगरी से प्रभावित होकर एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने गया था लंदन में, लंदन में ब्रिटिश एम्पायर एग्जिबिट पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने ड्यूक ऑफ कॉनर का जो पोर्ट्रेट उन्होंने 5 मिनट्स में बनाया, इसलिए उनको लाइटिंग स्कल्प्टर उपाधि दिया गया। फिलहाल गोपेश्वर पॉल के स्टूडियो को हेरिटेज कमीशन से मान्यता मिल चुकी है। ये स्टूडियो अब म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। कैमरा मैन अर्गो के साथ अनिर्बान, गुड न्यूज टुडे।